हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टर टू बेस बायस मेथड। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये जो सर्किट है, ये सर्किट है कलेक्टर टू बेस बायस मेथड का। इसमें रेजिस्टेंस RB को कनेक्ट किया गया है कलेक्टर और बेस के बीच में। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने फिक्स्ड बायस मेथड पढ़ा था, तो ये जो कलेक्टर टू बेस बायस मेथड है, ये इम्प्रूवमेंट है फिक्स्ड बायस मेथड के ऊपर। ये जो मेथड है कलेक्टर टू बेस बायस मेथड, ये बेटर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है फिक्स्ड बायस मेथड के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया, रेजिस्टेंस RB जो है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस के बीच में कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे जो बेस करंट IB है उसको कलेक्टर टू बेस वोल्टेज VCB डिटरमाइन करता है। मतलब इसको डिटरमाइन करने के लिए, बेस करंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग VCB का यूज़ करते हैं। इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, RB के थ्रू IB फ्लो हो रहा है और RC के थ्रू IC प्लस IB फ्लो हो रहा है। अब हम लोग सर्किट एनालिसिस करते हैं। सर्किट एनालिसिस के थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज फाइंड करते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज क्या होते हैं? जो आउटपुट करंट होता है IC और आउटपुट वोल्टेज होता है VC, इसको हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज या क्यू पॉइंट वैल्यूज बोलते हैं। तो सर्किट एनालिसिस के थ्रू ये दोनों को हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कट ऑफ वोल्टेज लॉ बेस सर्किट में अप्लाई करेंगे, जो कि इनपुट साइड है। इससे हम लोग को मिलेगा VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC माइनस IB RB माइनस VB इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, VCC माइनस IC RC माइनस IB इंटू RC प्लस RB माइनस VB इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन से हम लोग बेस करंट निकालेंगे। बेस करंट का इक्वेशन आएगा IB इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC माइनस VB अपॉन RC प्लस RB। अब हम लोग को कलेक्टर करंट फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं कि IC होता है बीटा टाइम्स IB। अब इस बेस करंट के इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स VCC माइनस IC RC माइनस VB अपॉन RC प्लस RB। ये हम लोग को एक ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग को VC फाइंड करना है। अब हम लोग फिर से KVL लगाएंगे, तो KVL से हम लोग को मिलेगा VC इज इक्वल टू VCB प्लस VBE इस सर्किट से। और यहाँ से इसी इक्वेशन से हम लोग VBE फाइंड करेंगे, तो VBE इज इक्वल टू VCE माइनस VCB मिलेगा। अब रेजिस्टेंस RB जो है वो हो जाएगा इस सर्किट से VCB अपॉन IB, या फिर हम लोग IB लिख सकते हैं VCB अपॉन RB के फॉर्म में। अब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे कलेक्टर सर्किट, जो कि आउटपुट सर्किट है, टू फाइंड VCE। तो यहाँ से हम लोग मिलेगा VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC माइनस VC इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन से VCE मिलेगा VC इज इक्वल टू VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC। तो हम लोग को ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज मिल गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सर्किट कैसे ऑपरेट करता है टू कीप द ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज फिक्स्ड। ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज फिक्स करने के लिए सर्किट कैसे काम कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि कलेक्टर करंट का इक्वेशन होता है IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICO। यहाँ पे ICO क्या है? ये कलेक्टर टू एमिटर रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो अगर बीटा चेंज होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है ये, अगर बीटा चेंज होता है ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर, या फिर इस इक्वेशन से रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट कब इंक्रीज होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता है, तो इस इक्वेशन से कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस सर्किट में VC इज इक्वल टू VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC होता है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज के कारण IC इंक्रीज हो रहा है, तो इस इक्वेशन से क्या होगा? अगर IC इंक्रीज हो रहा है तो VC डिक्रीज हो जाएगा, और इस इक्वेशन से अगर VC डिक्रीज हो रहा है
तो वीसीबी भी डिक्रीज होगा। और क्योंकि आईबी इज इक्वल टू वीसीबी अपॉन आरबी होता है, इसीलिए अगर वीसीबी डिक्रीज होगा तो बेस करंट भी डिक्रीज होगा। तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज के कारण रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो रहा है, और रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज होने के कारण आईसी इंक्रीज हो रहा है और क्यू पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोगों ने इस सर्किट में क्या किया है, बेस करंट को डिक्रीज किया है ताकि रिवर्स सैचुरेशन करंट के इंक्रीज को कंपनसेट कर सकें। तो यहाँ पे आईबी को डिक्रीज करके, बेस करंट को डिक्रीज करके हम लोगों ने स्टेबल क्यू पॉइंट को फिक्स करने की कोशिश की है, स्टेबल क्यू पॉइंट लाने की कोशिश की है और कलेक्टर करंट को स्टेबल किया है। तो आपको नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस कलेक्टर टू बेस बायस मेथड का। जैसे कि इसमें बहुत फ्यू कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं तो सिंपल सर्किट है। दूसरा, ये बेटर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है फिक्स बायस मेथड के ऊपर, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर लो होता है। और नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, इसका पुअर स्टेबिलिटी है क्योंकि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर अभी भी हाई है। और नेक्स्ट, क्योंकि आरबी जो है नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है तो एम्पलीफायर का गेन रिड्यूस हो जाता है, और क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर के साथ इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसको कंपनसेट करने के लिए कोई भी यहाँ पे मेथड नहीं है। और क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है तो इसके वजह से थर्मल रनअवे कॉज हो सकता है। तो ये है डिसएडवांटेजेस। होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कलेक्टर टू बेस बायस मेथड और उसका ऑपरेशन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अप